प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी में पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा एक दिवसीय रायपुर प्रवास पर, केंद्र की उपलब्धि और योजनाओं की दी जानकारियां। विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू, ईवीएम वीवीपीएटी के एफएलसी के संबंध में आयोजित की गई कार्यशाला। और मन की बात कार्यक्रम में दलीय राजहरा के वीरेंद्र सिंह की चर्चा, प्रधानमंत्री ने बधाई देते हुए उनके कार्यों को सराहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं दिबागनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुवाहाटी में पूर्वोत्तर भारत की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वंदे भारत एक्सप्रेस गुवाहाटी को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ेगी और इस यात्रा में 5 घंटे 30 मिनट का समय लगेगा। प्रधानमंत्री ने नए विद्युतीकृत खंड के 182 किलोमीटर मार्ग को समर्पित किया और असम से लुमडिंग में एक नवनिर्मित डेमू मेमू शेड का उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे न केवल असम और पश्चिम बंगाल बल्कि मेघालय और अरुणाचल प्रदेश को भी इसका लाभ मिलेगा। उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूर्वोत्तर को अपनी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मिल रही है। यह तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है जो पश्चिम बंगाल को जोड़ती है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के साथ संपूर्ण पूर्वोत्तर के नागरिकों को शुभकामनाएं दी। अपनी पहली मेड इन इंडिया वंदे भारत एक्सप्रेस मिल रही है। साथियों, गुवाहाटी जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन असम और पश्चिम बंगाल के बीच सदियों पुराने संबंधों को और मजबूत करेगी। इससे इस पूरे क्षेत्र में आना जाना और तेज हो जाएगा। इससे कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले युवा साथियों को सुविधा होगी और सबसे अहम बात, इससे पर्यटन और व्यापार से बनने वाले रोजगार बढ़ेंगे। ये वंदे भारत एक्सप्रेस मां कामाख्या मंदिर, काजीरंगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान, पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कनेक्ट करेगी। इसके साथ साथ मेघालय के शिलोंग, चेरापूंजी और अरुणाचल प्रदेश के तवांग और पासीघाट तक भी पर्यटकों की सुविधा बढ़ जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के लुमडिंग में नवनिर्मित डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीनपल यूनिट और मेन लाइन मल्टीशपल यूनिट शेड का भी उद्घाटन किया। श्री मोदी ने 182 रूट किलोमीटर के नए विद्युतकृत रेलखंडों को भी राष्ट्र को समर्पित किया। असम और मेघालय में लगभग 425 किलोमीटर रेल पटरियों का विद्युतीकरण किया गया है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा एक दिवसीय रायपुर प्रवास पर आए हैं। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इन 9 सालों की सफलता को यादगार बनाने भाजपा ने एक मेगा प्रचार की योजना बनाई है। इसमें केंद्र सरकार के कामकाज और 9 साल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार और भाजपा कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयार होने के उद्देश्य से अर्जुन मुंडा का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण रहा। रायपुर स्थित एक निजी होटल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। अर्जुन मुंडा आदिवासियों के लिए चल रही केंद्र की योजनाओं का भी जायजा लेंगे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश भर में केंद्रीय मंत्रियों का साझा कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें प्रत्येक मंत्री को यह जिम्मेदारी दी गई है कि केंद्र की उपलब्धियों और योजनाओं के बारे में बताए। छत्तीसगढ़ में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है।
इसके लिए निर्वाचन आयोग की टीम ने बैठक ली। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर इस संबंध में आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से ईवीएम वीवीपीएटी के एफएलसी के संबंध में कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला के संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि प्राथमिक तौर पर चुनाव से पूर्व चुनाव की तैयारियों के संबंध में इस तरह की बैठक आयोजित की जाती है। एफएलसी की संपूर्ण प्रक्रिया, प्रोटोकॉल की प्रक्रिया, पुलिस सुरक्षा की तैयारियां संबंधी जानकारी इस कार्यशाला में दी जा रही है। 10 जून से ये प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ होगी। एक टीम में लगभग 10 से 12 ECL के इंजीनियर्स रहेंगे और ये हर ज़िले में जो है तकरीबन हर, जैसे रायपुर है, बड़े ज़िले है, 2 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, वहाँ 18 दिन बिताएंगे और जो सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी सिंगल डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे इनका 6 से 7 दिन का अंतराल में ये इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। उसके बाद में जब FLC कंप्लीट हो जाएगा तो सारे EVMs को FLC EVM स्ट्रॉन्ग रूम में शिफ्ट किया जाएगा और इसमें जो है संपूर्ण पुलिस सुरक्षा के अंतर्गत 24/7 CCTV कैमरा में ये होगा। जो हमारे FLC प्रक्रिया है उसमें भी संपूर्ण वेबकास्टिंग होगा। पूरी प्रक्रिया का जो है हम लोग वेबकास्टिंग करेंगे और ये लाइव कवरेज और लाइव फीड सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक प्रतिदिन 10 जून से लेकर 27 जून तक ये सीधे ECI दिल्ली, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिल्ली में ट्रांसफ़र होगा और DO और CO कंट्रोल रूम पे भी ये लाइव फीड अवेलेबल रहेगा। ये कार्यशाला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सिविल लाइन स्थित नवीन विश्राम भवन में सुबह 10 बजे से शुरू हुई। इसमें सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी और FLC प्रभारी के साथ साथ भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारी भी शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने समुद्र में जहाजों की रियल टाइम पोजिशनिंग और नौ परिवहन से जुड़ी सटीक टाइमिंग सर्विस हासिल करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन नेविगेशनल सैटेलाइट NVS-1 को लॉन्च किया है। NVS-1 का वजन लगभग 2,232 किलोग्राम है। NVS-1 भारतीय नेविगेशन सेवा नाविक की दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों से पहला है। इस सीरीज में सेवाओं का विस्तार करने के लिए अतिरिक्त रूप से L1 बैंड सिग्नल शामिल है। NVS-1 में पहली बार स्वदेशी परमाणु घड़ी लगाई गई है। NVS-1, L1, L5 और S बैंड में उन्नत नेविगेशन पेलोड से लैस है। विशेष रूप से इस दूसरी पीढ़ी के उपग्रह की एक उल्लेखनीय उपलब्धि एक स्वदेशी रूबिडियम परमाणु घड़ी है। पहले वैज्ञानिक सटीक तिथि और जगह की जानकारी का पता लगाने के लिए आयातित रूबिडियम परमाणु घड़ियों पर निर्भर थे। अब आत्मनिर्भरता की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम उठाते हुए इसरो ने इस मिशन के लिए स्वदेशी रूप से विकसित रूबिडियम परमाणु घड़ी को शामिल करने की घोषणा की। 1-0 प्लस 5 सेकंड्स लिफ्ट ऑफ प्रोटोकॉल प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन GSLV-F12 का चारों L40s तथा कोर बूस्टर S139 अपना सामान्य निष्पादन करते हुए उद्देश्य कक्षा की ओर अग्रसर। नॉमिनल लॉन्च ऑफ द GSLV-F12 मिशन द रॉकेट फ्लाइंग बाय स्प्यूइंग फायर इनटू द क्लियर स्काई ऑफ श्रीहरिकोटा GS-1 एंड L40s टुगेदर थ्रस्टिंग करेंटली। नाविक एक स्वदेशी क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है जो GPS के समान है, जो भारत के समुद्र के भीतर सटीक और रियल टाइम नेविगेशन सेवा उपलब्ध कराती है। इस मिशन का काफी समय से इंतजार था। इस लॉन्च के साथ इसरो ने नेविगेशन सेवाओं में एक बड़ी छलांग लगाई है। इस सैटेलाइट के चालू होने के बाद इसरो समंदर में जहाजों की रियल टाइम पोजिशन को सटीक तरीके से बताने में सक्षम हो जाएगा। कोई भी यूजर नाविक के जरिए केवल अपनी सटीक स्थिति की जानकारी हासिल कर सकता है। बालोद जिले के युवाओं द्वारा जल संरक्षण को लेकर कार्य करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में सराहना की है। मन की बात कार्यक्रम की 101वीं कड़ी में नरेंद्र मोदी ने दल्ली राजहरा के वीरेंद्र सिंह की टीम को बधाई देते हुए उनके कार्य को अनुकरणीय बताया।
प्रधानमंत्री की सराहना से उत्साहित वीरेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि यह उनके लिए गौरव की बात है तथा इससे उन्हें और उनकी टीम को जल संरक्षण की दिशा में कार्य करने की नई ऊर्जा मिली है और आने वाले दिनों में अधिक उत्साह के साथ नई दिशा में कार्य करेंगे। को बचाना है तो जल की एक एक बूंद बचाना है, इसके लिए छोटे छोटे प्रयास हमारे हैं, जैसे प्राकृतिक जल स्रोत है, तालाब है, कुआं है, नदियों को स्वच्छ रखा जाए और लोगों को भी प्रेरित किया जाए कि इसमें व्यर्थ कुछ केमिकल ना डालो, नदी को स्वच्छ रखो। इसी तारतम्य में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे कार्यों को, हमारी टीम के कार्यों को सराहा और हमें प्रेरित किया कि आगे भी हम अच्छा काम करें और मैं अपनी टीम के साथ और दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत करूँगा और जल संरक्षण का लिए काम करूंगा, एक एक बूंद बचाऊंगा। ग्रीन कमांडो के नाम से पहचान बनाने वाले दिल्ली राजहरा के वीरेंद्र सिंह और उनकी टीम के द्वारा जल संरक्षण को लेकर नए नए तरीकों से लोगों को जागरूक किया जाता है और उन्हें इस कार्य के कारण राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय अनेकों पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। कोरिया मिलेट कैफे के फूड्स को बढ़ावा देने कलेक्टर ने मिलेट्स पर 10% छूट की घोषणा करते हुए अनोखी पहल की है, जिसके तहत कोरिया मिलेट्स कैफे में जनदर्शन वाले टोकन पावती दिखाने पर यह छूट मिलेगी। राज्य में मिलेट मिशन योजना शुरू की गई है। कलेक्टर विनय कुमार लंघे ने बताया कि कलेक्ट्रेट परिसर में मिलेट्स कैफे तैयार किया गया है। यहाँ मिलेट्स कुटकी टी, बाजरे की पराठा चिला, रागी चिला, ज्वार पकौड़ा, रागी मसाला डोसा, कोदो फ्राई चावल, मिलेट्स बिरयानी, बाजरा रोटी, ज्वार रोटी, कुटकी की खीर के साथ ही अन्य व्यंजनों की भी उपलब्धता होगी। कोरिया जिले में की गई है, इसमें छत्तीसगढ़ मिलेट्स मिशन के अंतर्गत जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा थी, अपना जो पारंपरिक खान पान है उसको बढ़ावा देना है और मिलेट्स के प्रति जो लोगों की रुचि है उसको भी बढ़ावा देना है, क्योंकि इसके हेल्थ के संबंधित बेनिफिट बहुत ज़्यादा होते हैं, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, चाहे हमारे विटामिन के या फिर अदर एसेंशियल जो हमारे हेल्थ के एसेंशियल्स होते हैं वो हमारे मिलेट्स के जो व्यंजन होते हैं उसमें उसकी पूर्ति होती है और लोगों में इसके केएमसी के प्रति बहुत अच्छा इसमें फीडबैक भी आ रहा है। हम वहाँ पे फीडबैक फॉर्म भी भरवा रहे हैं और आने वाले समय में इसको और भी अच्छे से मांगे। मिलेट्स कैफे की खास बात ये है कि छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजन को बढ़ावा देने के साथ महिला समूह को स्वरोजगार उपलब्ध कराने और आत्मनिर्भर बनाने की पहल की गई है। विधायक अंबिका सिंहदेव ने बताया कि राज्य के लोकल उत्पाद से बने पौष्टिक पारंपरिक व्यंजन मिलेट उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हो रही है। इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है, बाहर से ट्रेनिंग लेकर आई है और कोदो, कुटकी, रागी, बाकी मिलेट से बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन वहाँ पर बना रही हैं और हमारे सरकार, हमारे कलेक्टर साहब भी इस पर कई जगह 10% डिस्काउंट देकर भी लोगों को वहाँ पे जा रहे हैं लोग। मिलेट्स कैफे स्वयं सहायता समूह की सदस्यता ने बताया कि कैफे की शुरुआत से बड़ी संख्या में लोग यहां आ रहे हैं और व्यंजनों को बहुत पसंद कर रहे हैं। ग्राहकों से यहां एक फीडबैक फॉर्म भी भरवाया जा रहा है। हम स्वयं कैफे में आने वाले लोगों से पसंद नापसंद के बारे में पूछते हैं ताकि लोगों को और अच्छी सुविधा मिल सके। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।